हेलो दोस्तों, आज दिन है सोमवार का और तारीख है 16 और टाइम हो रहा है दिन का 1 बजे। और गाइस, अचानक से मौसम ने करवट बदली है और देखो कैसा मौसम हो गया। एकदम ऐसा लगता है कि तूफान आने वाला है, बिल्कुल काला हो गया है दिन में 1 बजे। और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ दिन में 1 बजे से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। बारिश भी आने लगी यहाँ पर, भाभी उठाने लगी हैं कपड़े। और गाइस, बिजली चमकने लग गई है बहुत तेज की। दिन में 1 बजे पूरी तरह से रात जैसी हो गई है, पूरा चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया दिन में ही। और बिजली चमक रही है, देखो खूब बारिश हो रही है, खूब हवा चली अभी और उसके बाद बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और एक टास्क का भी मेरे पास, बच्चों को लाना है मैंने स्कूल से, तो वैसे ही बारिश में जाना होगा, छाता लेके जाता हूँ। तो चलते हैं, पहले बच्चों को लेके आते हैं। और गाड़ी गाड़ी भी पूरी साफ हो गई है बारिश से आज। और गाइस, अब सर्दी भी आ गई है और ठंड लगनी शुरू हो गई है, तो अब स्वेटर वगैरह निकल गई हैं। और अभी तो मौसम फिर भी ठीक हो गया है, जो अभी आधा घंटा पहले था बिल्कुल काला मौसम हो गया था, पूरा रात हो गई थी, पूरी रात थी और बिजली चमक रही थी बहुत तेज। तो अभी मैं निकल गया हूँ घर से। और गाइस ये देखिए, ये वो मेन सड़क है जो हल्द्वानी और भीमताल को जोड़ती है। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं रोड ही बंद हो गई हो, ना हो गई हो, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। जिस हिसाब से मौसम हवाएं चली, लगता तो है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत रोड में आ गई है, रोड ब्लॉक हो गई है। और मैं बता था, ये रोड भीमताल और हल्द्वानी का रोड है और इसी रोड से अंदर भोराकुंड के पास हमारे गाँव को रोड। हम तलताल मार्केट में, सारे स्कूल के बच्चे भीग गए हैं। आज किसी ने भी होप नहीं किया था कि बारिश आ जाएगी, सुबह धूप निकली थी बड़ी तेज। और यह है तलताल की मार्केट, हम यहाँ से राइट जाएंगे, हम जाना है HGS हरमन स्कूल। पर अमूमन गेट गाड़ी अंदर जाने नहीं देते हैं स्कूल छुट्टी के टाइम पे, बट आज बारिश है तो इस वजह से गेट खुला हुआ है, अभी छुट्टी हुई नहीं है शायद। युवराज, दो बच्चे तो मिल गए मुझे बारिश में, अभी 3 बच्चे और हैं, पता नहीं वो कहाँ हैं। इनको इतना हो रहा है, चिंता नहीं है, वो तो है वो खाने हो। हाँ तो गाइस, अभी खूब बारिश हो रही है। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं, अभी व्लॉग बना लिया, बारिश हो रही है। सब लोग पीछे आ गई है। हमारे साथ अनुष्का कांडपाल, क्लास 7th की गर्ल से। होता है वो बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं। एंड अभी हम स्कूल से आ रहे हैं और हम बैठ चुके हैं, तो इनके वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इनकी वीडियो शेयर करा करिए।
थैंक यू अनुष्का। अभी हम सिमी दी के लिए वेट कर रहे थे एंड सिमी दी आ चुकी है एंड बारिश में हम सब भीग चुके हैं। देखो कितनी साफ दिखती है और पानी देखो कितना हरा हो रहा है लेक का। सुबह बिल्कुल धूप थी और पता नहीं था कि दिन में बारिश आ जाएगी, तो कोई भी बच्चा छाता नहीं लाया और देखो मस्ती में बारिश में भीग रहे हैं। कुछ कुछ लाए और अभी भी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है अभी भी। तो अब हम घर को जा रहे हैं, आप देखिए देखो सारे बच्चे कैसे जा रहे हैं एंड पीछे से काव्य पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहा है। देखो कितना पानी हो गया, अभी तक पूरा मौसम काला हो चुका था एंड अभी जाके खुला है, फिर भी बहुत ज्यादा ये ऐसा बारिश बारिश हो रही है। तो ये तलिताल आ चुके हैं हम स्कूल से। तलिताल की मार्केट बिल्कुल सुनसान, कोई रोड पे दिख नहीं रहा, बस एक अंकल है और रोड पे गाड़ियां भी नहीं है, रोड कहीं बंद हो गई है शायद एंड शॉप्स भी मोस्टली बंद हो चुकी हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी थी एंड अभी पूरा मौसम काला हो चुका था एंड अभी अभी ठीक हुआ है। आज लग भी नहीं रहा था कि मौसम खराब होगा, सुबह तक धूप आ रही थी अच्छी खासी। और देखो बच्चे कैसे खड़े हैं, दिखाओ बारिश से बचने के लिए। एंड ऐसे सारे बच्चे खड़े हैं बारिश से बचने के लिए दुकान के नीचे एंड यही है बस, सब अब अपने अपने घर जाएंगे, खाना खाएंगे एंड सो जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था एंड एकदम हॉरर वाइब आ रही थी स्कूल में सारे फ्रेंड्स के साथ अपने। अब बच्चों ने क्या किया सुबह, लाइट आई तो हल्ला मचाया प्राइमरी में। और लाइट किसने बंद करी, और हॉरर वाइब आ गई थी। हाँ बहुत ज्यादा। अनुष्का भी डर गई? नहीं अनुष्का, मैं नहीं डरती, अनुष्का तो भूतों की मौसी है, कैसे डरेगी। हां आप भूतों के सरताज। तो यहाँ मंदिर आ चुका है, सब हाथ जोड़ लीजिए, जय करो शेरावाली मैया बोल साचे दरबार की जय। चिल्लाने लग गया, पता नहीं क्या हुआ है गाड़ी। अरे भैया बचा ले, अरे भैया ओले। अब हमारा घर आने वाला है एंड हम जा रहे हैं एंड यहाँ मिताली एंड काव्य की लड़ाई हो चुकी है, वो दोनों एक दूसरे को मार। तो फाइनली हमारा बोरागुन आ चुका है एंड मेरा स्टॉप आ गया, मैं चली जाऊँ। तो ये अब मेरे घर पे हम पहुँच चुके हैं एंड सब लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने घर को जा रहे हैं क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं हुआ है एंड मैं आ चुकी अपने घर जा रही हूँ एंड बाकी सब भी जा रहे हैं। आ चुका मल्लिका जी स्कूल में और शायद अभी यहाँ बच्चे या छाता कोई भी नहीं लाया है, तो दीक्षा वगैरह सब यहीं होंगे, इनको लेने आया हूँ मैं। सो गाइस घर आ गए हैं और ठंडा हो गया, अब बनाता हूँ मैं गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पीते हैं मेरी चाय और साथ में बनती मस्त आलू की पकौड़ी चाय के साथ। गर्मा गर्म चाय हो साथ में पकौड़ी हो और बाहर बारिश हो, मज़ा आ जाता है। गाइस ये रही गर्मा गर्म पकौड़ी, केचप और चाय। तो पहले टेस्ट करते हैं पकौड़ी का और चाय का। दोस्तों अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और हवा तो अब थोड़ा कम हो गई है पहले से, तो मैं अपने वीडियो को ही पेंट करूँगा। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।